हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग यहाँ बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम बात करने वाले हैं नेटवर्क डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट के लिए। बेसिकली आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, हमें आपका लोकल एरिया नेटवर्क को डिजाइन किस तरह से करना है उसके बारे में जो है आज पूरा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है, से फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बिल्डिंग है जिसके अंदर आपको लोकल एरिया नेटवर्क जो है डिजाइन करना है, तो ये आपकी बिल्डिंग है जिसके अंदर आपको लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो डिजाइन करने का काम दिया गया है, और आप इस बिल्डिंग के अंदर पूरा बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर लोकल एरिया नेटवर्क जो है डिजाइन करने वाले। यहाँ पर 3 फ्लोर हैं, तो ये आपका एक फ्लोर है और यहाँ पर जो है ये फ्लोर है। तो यहाँ पर ये जो है ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है और ये है आपका सेकेंड फ्लोर, राइट। तो यहाँ पे इस पूरी बिल्डिंग के अंदर हर जगह पे आपको जो है यहाँ पर भी कुछ सेटअप करना है, हर फ्लोर के ऊपर में आपको कंप्यूटर सेटअप करने हैं। तो अगर आपको मैं यहाँ पे बोलूँ कि किस तरह का आप नेटवर्क डिज़ाइन करोगे, तो डिज़ाइनिंग की जहाँ तक बात आती है तो हम बहुत ही सिंपल सी तरीके से जो है डिज़ाइनिंग करते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर जो है एक रैक दिया गया है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क रैक, कह लो आप इसको, ठीक है। ये हमारा नेटवर्क रैक है। तो नेटवर्क रैक के अंदर हमने क्या करा, यहाँ पर एक स्विच लगाया और यहाँ से इस स्विच के साथ में जो यहाँ पर कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास जो है 3-4 कंप्यूटर्स हैं, इनको हमने लाकर इनकी जो केबल्स हैं वो डायरेक्टली इस पूरे स्विच के अंदर जो है हमने कनेक्ट कर दी इस तरह से। और इसी से हमने क्या करा, यहाँ पे अभी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में भी हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स हैं, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स हैं 4, तो हमने क्या करा यहां पर भी एक स्विच लगाया, ये हमारा यहां पर भी स्विच है और इसको हमने यहां पर इस तरह से कनेक्टिविटी कर दी। और इसी तरह से हमारे पास जो है थर्ड फ्लोर है, तो थर्ड फ्लोर के ऊपर में भी हमने क्या करा यहां पर एक स्विच लगाया और स्विच के बाद हमने यहां पर जो है ये पूरा 4 कंप्यूटर सपोज कर लो यहां पर भी है, इसको भी हमने जो है इसी तरह से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी। अब इन तीनों को आपस में भी कनेक्ट करना है, तो हमने क्या करा इसको इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, इसको उठाकर इस स्विच के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा जो है हमने लोकल एरिया नेटवर्क रेडी कर दिया। अब आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके इस पूरे नेटवर्क को देखें और समझें कि क्या ये नेटवर्क जो हमने अभी डिजाइन करा है, क्या ये परफेक्ट है क्या, राइट। सो आई होप कि आप लोगों ने जो है वीडियो को पॉज किया होगा और पॉज करके आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये परफेक्ट है, नो डाउट ऑन दैट पार्ट, ऑफकोर्स इट इज वर्किंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा, कोई इशू नहीं आएगा आपको। लेकिन ऐसा नेटवर्क डिजाइन करने के ऐसा अगर हम लोग नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है। अगर हम बात करें रिडंडेंसी की, क्योंकि अगर यहाँ पर जो है आपका कोई भी सिंगल पॉइंट फेल हो गया, से फॉर एग्जांपल ये केबल आपकी जो है डिस्कनेक्ट हो गई, तो क्या होगा कि ये हमारा जो फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर जो है वो पूरे कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो गए, तो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर। तो सिंगल पॉइंट फेल्योर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो बहुत ही रिस्की है। सो ऐसे में हमारा पूरा आधे से ज्यादा नेटवर्क जो है वो डाउन हो गया। सो अब यहाँ पर जो है ये हमारा हो गया। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि हम जो है इसके साथ में क्या कर सकते हैं, बैकअप लाइन दे सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से हमने एक बैकअप इसी तरह से क्रिएट कर दिया, ये बैकअप क्रिएट कर दिया। अब से फॉर एग्जांपल कि ये वाला जो फर्स्ट फ्लोर का जो स्विच है यही आपका जो है खराब हो गया, क्योंकि डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं खराब हो सकती हैं। सो आपका ये स्विच जो है यही खराब हो गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब आपका जो है सेकेंड फ्लोर बिल्कुल वापस जो है इसी तरह से पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट हो गया। तो फिर हमें जो है अपने नेटवर्क को किस तरह से डिजाइन करना चाहिए, अगर हम डिजाइनिंग की बात करें, क्योंकि यहां पर भी रिडंडेंसी लिंक तो हमने अपलोड कर दिए हैं, बट स्टिल हमारे इस नेटवर्क के अंदर जो है वो आपकी जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है। तो जनरली अगर हम देखा जाए तो वो किस तरह से आपको फिर डिजाइन करना चाहिए, तो हमें जो है डिजाइन कुछ इस तरह से करना चाहिए। ये जो है हमारा एक स्विच है, ठीक है, ये हम लेयर 3 स्विच ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल यहां पर जो है जिससे आप कनेक्ट कर रहे थे ये आपका लेयर 3 स्विच था। अब लेयर 3 के बाद जो है हम यहां पर अलग अलग स्विच जो है यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, तो ये कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये लेयर 3 स्विच जो है वो डायरेक्टली लेयर 2 के साथ में कनेक्टेड है, राइट, और इनको हम जो है यहां से इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं।
तो यहां पर जो है ये एक परफेक्ट तरीका है हमारे इस पूरे नेटवर्क को डिजाइन करने का। लेकिन अब आप में से सवाल होगा कि यहां पर तो ये ऐसा डिजाइन कर दिया, लेकिन अगर ऐसी बिल्डिंग हो तो वहां पर ऐसा नेटवर्क कैसे डिजाइन किया जा सकता है। सो यहां पर जो है इस तरह की रिडंडेंसी ना देकर हम दूसरे तरीके से दे सकते हैं। चलिए मैं यहां पे वापस इसी तरह के साथ में जो है इसी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए वापस यहां पे मैं बिल्डिंग डिजाइन कर देता हूं। ये मैंने एक बिल्डिंग दोबारा बना दी बिल्कुल उसके पैरेलल में। अभी उसी को हम ये जो नया जो तरीका मैंने बताया, ये वाला जो एक सही तरीका, ये राइट वे है आपके किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए। बिकॉज यहां पर जो है अगर ये फेल होता है तो यहां से ऑप्शन अवेलेबल है, अगर ये फेल होता है तो यहां से ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। अगर आपको और चाहिए तो आप यहां से भी रिडंडेंसी इस तरह से दे सकते हो, दैट इज प्योरली डिफरेंट। तो ऐसे में अगर आपका कोई भी स्विच फेल होता है तो आपका बाकी नेटवर्क जो है वो बिल्कुल चालू रहेगा, कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया ही आपका डाउन होगा, पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन नहीं होगा। अब आपकी इस बिल्डिंग है से फॉर एग्जांपल यहां पर सेम हो उसी तरह की बिल्डिंग हम डिजाइन करते हैं जैसे मैं अभी हमने पहले नेटवर्क डिजाइन किया। तो ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर और ये है हमारा सेकेंड फ्लोर। अब इन तीनों फ्लोर के अंदर जो है आपके पास सेम नेटवर्क्स हैं, यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर्स हैं, राइट। और ये हमने यहाँ पे स्विच लगा लिया। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, बिल्कुल वैसा ही कि वैसा ही रहने वाला है। बस आपको इसको जो कनेक्टिविटी जो कर रहे हैं उसका तरीका जो है वो आपको यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर जो तरीका है लिंक कनेक्ट करने का वो आपका डिफरेंट होना चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास नेटवर्क रैक है। इस नेटवर्क रैक के अंदर एक तो हमारे पास यहाँ पे लेयर टू स्विच रहेगा, राइट। ये आपका L2 स्विच रहेगा जो कि आपके यहां पर जो कंप्यूटर्स हैं उनको फीड करने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है, राइट। और यहां पर एक हमने एक्स्ट्रा स्विच लगाना है विच इज नोन एज L3। ये जो लेयर 3 स्विच है ये हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां से हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये आपका जो ग्राउंड फ्लोर का जो L2 स्विच है वो यहाँ पे फीड हो गया। अब आपका जो फर्स्ट फ्लोर है उसको भी डायरेक्टली हमने क्या करना है, लेयर 3 से कनेक्ट कर देना है। और फिर जो आपका सेकेंड फ्लोर है उसको भी हमने जो है लाकर इसको लेयर 3 के साथ में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये जो लिंक है वो हमने क्या कौन से लिंक रेडी करे, तो यहां पर ये जो लिंक है हमने डाले तो ये लिंक हमने क्रिएट कर दिए। अब रिडंडेंसी के लिए जो है हम इसको ऊपर से ऐसे भी वापस लिंक ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे सेकंड को फर्स्ट के साथ में कनेक्ट कर सकते हो और फर्स्ट को जो है ये जो ग्राउंड फ्लोर का जो L2 स्विच है उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हो। तो आपका जो है ये जो नेटवर्क मैंने डिजाइन करके दिखाया तो यही नेटवर्क जो है वो आपका यहाँ पर लिंक जो है बन गया। तो आप देखते हैं यहां से ये जो लिंक बना है ये आपका कौन सा बना है, ये आपका रिडंडेंट लिंक हो गया और ये आपका जो है ये आपका मेन लिंक हो गया। तो यहाँ पे ये आपका जो है ये आपका मेन लिंक हो गया, यहाँ पे तीनों के साथ में मेन लिंक हो गए। तो बेसिकली ये जो नेटवर्क अभी जो हमने कनेक्टिविटी करी है इसे ऐसे में अगर आपका ये लिंक ब्रेक होता है कोई दिक्कत नहीं, ये वाला लिंक इसको फीड कर रहा है। अगर ये लिंक भी ब्रेक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला जो लिंक है वो इसको फीड कर रहा है। तो यहाँ पे जो है मल्टीपल रिडंडेंसी भी मिल गई इसको, राइट। मल्टीपल रिडंडेंसी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। और साथ ही साथ जो है अगर आपका ये स्विच फेल होता है तो कौन सा, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर आपका डाउन होगा, बाकी फ्लोर आपके बिल्कुल एक्यूरेट चलते रहेंगे। तो यू कैन सी यहाँ पे हमने कोई मेजर काम नहीं करा है, हमने सिर्फ ऐसे नेटवर्क के अंदर एक स्पेशल एक स्विच ऐड किया विच इज नोन एज L3, राइट। L3 स्विच अगर हमने एक एड ऑन कर दिया और उसका जो केबलिंग स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया तो वो जो है हमारा पूरा नेटवर्क रेडी हो गया है। और यहां पर जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। कि एक बार वापस अगर मैं दिखाऊं आपको तो मैं एक बार वापस आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरह से हमने कनेक्टिविटी करी है। तो ये मैं लिंक यहाँ से हटा देता हूँ, राइट। ये मैंने लिंक हटा दिए और पहले तो ये जो बिल्डिंग डिलीट कर दी हमने उस बिल्डिंग को वापस कनेक्ट कर देते हैं, राइट। ओके बिल्डिंग को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये बिल्डिंग हमने यहाँ पे कनेक्ट कर ली, राइट। ये बिल्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ये हमारी बिल्डिंग थी और यहाँ पे जो है ये इस तरह से था। अब सबसे पहला काम क्या है, आपको आपका जो लेयर 3 स्विच है उसको लेयर 2 के साथ में कनेक्ट करना है। तो ये हमने फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट कर दिया
और ये हमने सेकंड फ्लोर को कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे मेन लिंक हो गए। अब हमने जो है इसको रिडंडेंट लिंक प्रोवाइड करने हैं, यानी कि आपस में इन स्विचेस को कनेक्ट करना है। तो हमने यहां से इसको इससे कनेक्ट कर दिया, यहां से हमने लेयर टू को कनेक्ट करा, लेयर थ्री को कनेक्ट नहीं करना है। तो ये स्विचेस आपस में भी कनेक्ट हो गए। अब यहां पे बेनिफिट क्या हो गया हमारे पास, बेनिफिट हमारे पास ये हो गया कि अब अगर हमारा ये लिंक ब्रेक हो गया, सपोज कर लो ये लिंक ब्रेक हो गया जो कि आपका फीड कर रहा था सेकंड फ्लोर को, तो आपका जो है ये लिंक यहां पे इसको रिडंडेंसी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। और अगर सेकंड वाले फर्स्ट वाले पे देखें तो फर्स्ट वाले पे भी अगर ये लिंक ब्रेक हो गया तो ये लिंक ऊपर वाला भी फीड कर सकता है और ये जो ग्राउंड फ्लोर से जा रहा है ये भी फीड कर सकता है। अब अगर आपका सेकंड फ्लोर का स्विच खराब हो गया तो सिर्फ सेकंड फ्लोर डाउन होगा, बाकी कोई भी फ्लोर जो है वो उससे इफेक्ट नहीं होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो एक तरीका है आपको नेटवर्क को डिजाइन करने का। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको जो है अपना लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन करना है। सो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए गाइस इतना है, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।